अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा ना भैया, तो उसके बाद एक अलग ही फील आने वाला गाड़ी के अंदर ना। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। आप बता दीजिए कहाँ से आए। हम लोग पंजाब से आए हैं ओके और हम लोग चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। ऑलराइट। बहुत बढ़िया लगा इनसे काम करवा के। तो एक चीज और आप बता दो, आपको पता कैसे चला था इनके बारे में, क्योंकि पंजाब से। नहीं, मेरे को मिश्रा ब्लॉग से पता चला, तो मैंने बड़ी वीडियोस देखी है आपकी, हाँ तो उसपे जो जो काम जैसे जैसे आप लोग दिखाते हो वैसा वैसा ही आपने करके दिया है। ऑलराइट। सो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि जैसा आपने बोला वो करके दिया। ओवरऑल 100% सेटिस्फाइड हूँ बॉस। ठीक टेन है। में से टेन, टेन में से इलेवन सब चलता है। अच्छा, अगर प्राइसिंग की बात करें तो कितनी कॉस्टिंग है इस गाड़ी के अंदर आपकी। गुड इवनिंग, मैं बात कृष्ण, आप देख रहे हैं मिस्टर व्लॉग। सबसे पहले तो गाड़ी का नंबर प्लेट ही देख पाओगे, पीबी, यानी कि पंजाब से बेसिकली गाड़ी आई हुई थी आज अपने पास मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये गाड़ी है नई वाली ब्रेजा का LXi वेरिएंट, जो कि कहने में बेस मॉडल आता है। अब बेस मॉडल को भैया लेकर के आए थे पंजाब से, तो बहुत सारा सेटअप है मॉडिफिकेशन का जो कि इसके अंदर किया गया। अब काम क्या क्या हुआ है अंदर से आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। कुछ ना कुछ यूनिक साइज के अंदर ट्राई किया गया, जो थीम है कुछ ना कुछ अलग बनाया गया है। अभी आप अंदर की तरफ देखोगे इंटीरियर में बेसिकली बहुत सारा काम है। डैम्पिंग रूपिंग का सेटअप भी कंप्लीट किया गया है, एम्बिएंट लाइट लगी है, सीट कवर्स में काम हुआ है, अपने जितने भी गत्ते हैं उस पर डोर ट्रिम से काफी अच्छा इंटीरियर रैप किया गया है। तो बहुत सारा सेटअप है मॉडिफिकेशन का जो कि इसके फाइनली डन कर दिया गया। तो अभी हम है रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल से बात करते चलते कि सबसे पहले क्या क्या चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला पार्ट देख पाओगे, कैमरे की इंस्टॉलेशन की गई, जो कि कहने डेप्थ का कैमरा है, नाइट विजन वाला, मूविंग गाइडलाइन के साथ आता है। जब भी आपने स्टीयरिंग को फोल्ड करोगे ना, जैसे टर्न करोगे, तो आपके ये ऑटोमेटिक उस हिसाब से ही वॉक करता रहता है। आपको डायरेक्शन का जो एक पार्ट होता है कहीं ना कहीं इस कैमरे के अंदर देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको अंदर की तरफ से चेकआउट भी कराने वाला हूँ। तो रियर प्रोफाइल में अभी अपना जो बूट है वो ओपन रखा है, तो अभी देख लो क्या क्या चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आर्मरेस्ट का सेटअप रखा हुआ है, तो ये बेसिकली डमी पीस आता है इंस्टॉल होकर के। इसके अंदर रियर एसी वेंट ऑलरेडी एक्टिवेट आता है, बट यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट का जो सेट है ना वो भी कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। साथ ही साथ पार्शियल ट्रिगर सेटअप जो आता है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया ओरिजिनल वाला, जिसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है एक टाइबल जैसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी रबर बीडिंग्स है ये सारी आपको देखने मिल जाती है। अब ये सब चीज़ें क्यों होती है, जब भी आपका ये शीशा नीचे होगा ना, तो ये क्या होता है आपके यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आपकी गाड़ी अनइवन सरफेस पे चलेगी ना, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि पीछे से यानी कि पार्शियल ट्रे से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो ये जो पार्ट है कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कि एक जो नॉइज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको प्रॉपर हुक मिल जाता है इसका, जिसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ बताऊं तो यहाँ पे आप ये फ्रेम देख पाओगे जो कि आपको LXi वेरिएंट में कंपनी इंस्टॉल करके देती है। इसके अंदर कोई भी स्टीरियो का सेटअप नहीं आता लग करके, तो यहाँ पे एंड्रॉइड की प्लेसमेंट भी करी गई है, मैं अभी आपको अंदर की तरफ दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट के जो कंपोनेंट और कोएक्सियल स्पीकर की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है, ये अपना कंपोनेंट का बॉक्स रखा हुआ है और ये अपने कोएक्सियल स्पीकर के बॉक्स रखे हुए हैं, और ये अपना डेप्थ का जो कैमरा था ना, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वाला कैमरा जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एक सेटअप आता है अपना बूट मैट का, आप चाहते हो वो भी लगवा सकते हो। GFX की मैट काफ़ी रिलायबल लगते हैं मुझे पर्सनली, अगर आपको चाहिए तो आप अपनी गाड़ी में इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। ऑलराइट, अब कर देते हैं यहाँ से इसको बंद। एक सेटअप और आता है यहाँ पे रिफ्लेक्टर का, आप वो भी लगवा सकते हो। और अपना रियर एक स्टैंडर आता है, स्किड प्लेट आता है, डिफ्यूज़र आता है, बहुत सारे एक्सेसरीज और भी है जो कि आप इसके अंदर इंस्टॉल करा सकते हो, बट यहाँ पे बहुत डिसेंट काम एक्सटीरियर से किया गया है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में और साइड से बताता हूँ, देन चलेंगे अंदर और अंदर से भी आपको दिखाऊंगा कि इंटीरियर में कैसा जो एक थीम है वो रेडी किया गया है, और फिर मिलेंगे ऑनर से और जानेंगे भैया को सारा काम कैसा लगा, इतनी दूर से आना कितना एक सही पार्ट था, या फिर जो एक वैल्यूएबल चीज़ उनको मिली है या नहीं मिली। ओके, सो साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आप देख पाओगे जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, विंडो फ्रेम किट, यानी कि लोअर विंडो गार्निश। अब ये यहाँ से लेकर के यानी कि क्वार्टर ग्लास से लेकर के आपका फ्रंट ग्लास तक जाता है, तो काफ़ी अच्छा सा प्रोफाइल है भाई। ओरिजिनल की ना बात ही अलग होती है, फिटमेंट ही अलग होती है, शाइनिंग अलग होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका एक जो एक थीम है जो गाड़ी के एक्सटीरियर में जो लुक्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्हांस कर देता है, तो काफ़ी अच्छा सा पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो रेन वाइजर का सेटअप इंस्टॉल किया गया है क्रोम लाइन वाला, और ये स्मोकी इफेक्ट भी आपको देगा, जब भी आप अपना अंदर हाथ देखोगे ना मेरे फिंगर से उसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आईपॉप भी इंस्टॉल कर दिया गया है, साइड बीडिंग का सेटअप आप ये भी देख पाओगे, ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है। और एक पार्ट और यहाँ पे इंस्टॉल किया गया जो कि अपने साइड स्लाइडिंग वाला, ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ ये इंस्टॉल किया जाता है। अब ये जैसा कि आपको कंपनी इंस्टॉल करके देती है सेम एज इट इज पार्ट है, सेम MGP का ओरिजिनल है, और MGP के ओरिजिनल सामान में आपको यहाँ पे जो है माउंटेन्स के जो है साइन या थीम वो बना हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अपना मर्जलब का सेटअप है वो भी इंस्टॉल कर दिया गया है। व्हील कैप इस वेरिएंट में आपको कंपनी ही इंस्टॉल करके देती है, LXi वेरिएंट में कंपनी इंस्टॉल करके देती है। एक पार्ट और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है जो कि अपने साइड स्लाइडिंग, ठीक है, यानी कि व्हील आर्क कह लो इसको। यहाँ पे एक पार्ट आता है ब्लैक का, इसके ऊपर सिल्वर भी लग जाता है, सिल्वर और रेड का टोन आता है, तो जो भी आपको लगवाना हो अपनी गाड़ी में इजिली इसको इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी यहाँ पे नॉर्मल जो एक व्हील आर्क है ब्लैक थीम के साथ वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। डैम्पिंग का सेटअप भी इसके अंदर कंप्लीट किया गया था। सबसे पहले मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ यहाँ का, आप थर्ड साउंड सुना, देन रियर में भी मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। पहले यहाँ देखना डेप्स की डबल लेयर की डैम्पिंग इंस्टॉल की गई है, यहाँ का आपने देखा, यहाँ का देखना।
दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है। तो डैम्पिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज बता रखी है कि डैम्पिंग आपको क्यों कराना चाहिए। बेसिकली जितने भी आपके साउंड सिस्टम आपने इसके अंदर इंस्टॉल कराया उसके जो कहीं ना कहीं साउंड का एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है, और एसी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा एफिशिएंट कूल करेगा, आपकी गाड़ी ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, ज्यादा जल्दी बाहर से गर्म नहीं होगी, रोड नॉइज जो होती है, रैटलिंग नॉइज जो होती है, खड़ खड़ कर रोड की आवाज़ जो सारी खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है कहीं ना कहीं डैम्पिंग कराने की, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, फ्रंट से क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। तो एक सेटअप अपने यहाँ पे DRL का इंस्टॉल किया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ का सेटअप आप देख पाओगे, इसके अंदर बेसिकली अपना जो मैट्रिक्स वाला इंडिकेटर होता है ना, यानी कि DRL का सेटअप, वो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसकी प्लेसमेंट की जाती है। और एक बार बताऊँ, ब्रेजा के अंदर ना बहुत सुंदर लगता है। रीजन ये है कि ब्रेजा का जो हेडलाइट है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट में है, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ है। बलिनो के अंदर इसी अच्छी लगती, फिर पंच के अंदर अच्छी लगती थी, और एज इट इज यहाँ पे भी ब्रेजा के अंदर ये चीज काफी सुंदर लगती है। यहाँ पे आप देख पाओगे कितना अच्छा फील आता है, क्योंकि स्ट्रेट है ना तो काफी अच्छे चिपक जाता है, और लुक वाइज अगर आप देखो तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा इसका लुक। जब भी आपने पार्किंग ऑन करोगे तो उस समय व्हाइट स्टेबल रहता है, जब भी आपने अपना इंडिकेटर दिया तो ये फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, सेम एज इट इज दोनों साइड। तो काफी अच्छा इसका सेटअप है, काफी अच्छा इसका प्रोफाइल रहने वाला है। उसके बाद हेडलाइट की बात करो तो प्रोजेक्टर्स आपको बेस मॉडल में देखने को मिल जाते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं नाइट आई की जो LED है कि वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, तो काफी अच्छा इसका आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है रोड पे, ठीक है। उसके बाद नीचे तो अपनी मिंटा की फॉग लाइट है, उसके अंदर भी नाइट आई की ही LED इसके अंदर इंस्टॉल की गई, जिसकी 3 ईयर की वारंटी आपको देने मिलती है, और लाइट का आउटपुट, लाइट का जो एक रिजल्ट है वो अपने आप में बहुत अमेजिंग है। अब ये गाड़ी पंजाब से आई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया, अगेन आप यहाँ पे भी चेकआउट कर पाओगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि मेन जो इंटीरियर का सेटअप है ना वो गाड़ी के अंदर बहुत बन करके निकला है भाई, बहुत सुंदर लग रही गाड़ी अंदर से, पर्सनली बता रहा हूँ आपको भी देख करके बहुत मजा आने वाला है। चलते गाड़ी के अंदर। ऑलराइट भाई, तो हम लोग आ चुके अपने गाड़ी के अंदर, और सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे जो अपने स्टीयरिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर कैसे लग रहा है, 2022 वाला वेरिएंट है ना ब्रेजा का, तो काफी मतलब सुंदर सुंदर सा एक फील जो एनवायरनमेंट जो गाड़ी के अंदर बना करके दिया है कंपनी ने, जो चीजें बनाई है काफी सही लगती है। अब देखो कुछ चीजें तो जो है जो कि इसके अंदर अपग्रेड करने की जरूरत लगती है, मुझे भी लगती है कि हाँ होनी चाहिए जरूरत अपग्रेड, जैसे कि इसका डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप चेंज कराते हो ब्राउन वाला या फिर जो एक वुडन फिनिश वाला, अगर आप वो चीजें लगवा लेते हो ना तो गाड़ी में जो कहीं ना कहीं बहुत एक इंप्रूवमेंट हो जाती है भाई, लिटरली बता दो जब आप देखोगे ना वो चीज लगवा करके तो पूरी गाड़ी का जो एक काया पलट सी हो जाएगी भाई। तो ये चीजें भैया ने अभी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कराई है, इंस्टॉल भैया बाद में आकर के दोबारा करवाने वाले। उसके बाद कुछ और चीजें पे मैं बात करता हूँ, चलो कि मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें कवर की गई। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे आप देख पाओगे ड्यूअल टोन चांद वाले कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि चांद वाला डिजाइन, और उसके साथ यहाँ पे ब्लैक और टैन कलर का एक कॉम्बिनेशन देखोगे तो उसके साथ यहाँ पे अपने स्टीयरिंग को रैप कर दिया गया है। ड्यूअल टोन ड्यूअल स्टिचेज आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी ये जो है ड्यूअल टोन का एक पार्ट बहुत सुंदर लगता है दिखने में, और गाड़ी के अंदर आप इजीली इसको करवा सकते हो, या फिर आप स्टीयरिंग व्हील चेंज कराना चाहो आप वो भी करा सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगवाना चाहो वो भी लगवा सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों में इंस्टॉल करके दिया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद यहाँ पे 9 इंच का प्रॉपर अपना जो एंड्रॉइड है वो इंस्टॉल किया गया, डेप्स का 2GB 16GB वाला वेरिएंट है, काफी अच्छी चीज होती है। 2 साल की रिप्लेसमेंट आपको वारंटी मिलेगी, कभी खराब हो जाए आपने आना है दूसरा पीस चेंज करवा के ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे ग्लॉसी फ्रेम है इसका 9 इंच का, जिसके साथ इसकी इंस्टॉलेशन कर दी जाती है। एक ये फ्रेम है जो कि प्रॉपर फिट बैठता है, बहुत बार आप देखते हो कि यहाँ से फ्रेम ना आउट हो रहा है या फिर वो सही से बैठता नहीं है, तो इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर यहाँ पे कर दी गई है। एक सेटअप आप यहाँ पे और देख पाओगे, K3 की जो एम्बिएंट लाइट है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई, जिसका लुक और फील अपने आप में कितना अमेजिंग आ रहा है आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला लाइट जो है वो आपको कैसा लगता है। प्लस ऐप कंट्रोल होता है, आप फोन से इसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब 64 कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने मिल रहा है, 64 कलर देखने मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप फोन से जो आपको लाइट एक्सपीरियंस चाहिए आप उस तरीके लाइट एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद कुछ और सेटअप में बात करूँ तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे इंटीरियर अपने रैप किया गया, तो जितने भी डोर ट्रिम्स है उस पर यहाँ पे लेदर राइट किया गया टैन कलर से, साथ ही टैन कलर का यहाँ पे स्टिचेस का पार्ट आप देख पाओगे जो कि कहीं ना कहीं काफी सुंदर लग रहा है दिखने में, और बहुत एक अच्छा फील और एक कह रहे ना कि एक माहौल जो गाड़ी के अंदर बनाई, जो टच एंड फील बनाया वो गाड़ी के अंदर बहुत अमेजिंग सा बन करके निकला है। उसके बाद यहाँ पे हैंडल क्रोम जो आता है इनर हैंडल लीवर वो भी चेंज कर दिया गया है, टॉप मॉडल वाला यानी कि क्रोम वाला एलिमेंट है इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। फ्रंट में अपने ब्लूप्रिंट के कंपोनेंट है, रियर में ब्लूप्रिंट के कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल हुए हैं, तो ब्लूप्रिंट का साउंड रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है, बाकी मैं इस वीडियो के अंदर भी वो चीज़ आपको चेकआउट करके देने वाला हूँ। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, मेन पार्ट के ऊपर जो कि अपने सीट कवर। तो सीट कवर जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे फुल बकेट सीट कवर ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ टैन और ब्लैक का टोन यहाँ पे रखा गया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब एक ऐसा कलर ऑप्शन है जो कि आपकी आंखों को चुभेगा नहीं। नॉर्मली आप देखते हो ना बहुत सारे भाई जो है अलग अलग टोन कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब गाड़ी में कोई भाई बैठेगा ना तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखों को कलर चुभ रहा है, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है। मतलब एक बहुत डिसेंट और एक क्वालिटी जो वर्क लग रहा है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा,
काफी सुंदर भाई मुझे इसका जो है इंटीरियर का सेटअप वो लग रहा है, पर्सनली बता रहा हूँ। प्लस रिंकल वगैरह का सेटअप अगर आप बोलो ना, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक भी सीट पे आप रिंकल का पार्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीट कवर है, प्लस लाइफ टाइम की वारंटी मिलती है। कभी भी धागा निकल जाए या फिर पपड़ी आ जाए, आपने आना है सीधा सीट कवर चेंज करवा के ले जाना है। आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट आउट नहीं किया जाएगा कि भैया आपने ऐसे खराब कर दिया, भैया ये चीज ऐसे खराब हुई है। एज इट इज बेस्ट मॉडल था, तो यहाँ पे रियर में जो है हेडरेस्ट का सेटअप लग करके नहीं आता, तो हेडरेस्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया प्रॉपर MGP का, जैसा कि ओरिजिनल आता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी बैक चेंज कर दिया जाता है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको वेट भी ना करना पड़े और काफी अच्छी तरीके से आपकी इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे कर दी जाए हेडरेस्ट की। उसके बाद रियर में भी सीट का पार्ट आप देख पाओगे, सीट का पार्ट आप देख पाओगे, बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये पार्ट आपको कितना सही लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटअप और इंस्टॉल किया गया है, वो है अपने आर्मरेस्ट का। तो आर्मरेस्ट इसके अंदर MGP का ओरिजिनल इंस्टॉल किया जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सेटअप देखने मिल जाता है स्टोरेज का, और ऊपर से आप इसको इजिली स्लाइड करके भी अपना सारा पार्ट जो है वो मैनेज कर सकते हो। और यहाँ से जब भी आप इसमें आर्मरेस्ट इंस्टॉल कराओगे ना, उसके बाद आपको जो है इसकी वैल्यू या फिर अहमियत वो पता चलेगी। जब भी आप लॉन्ग जर्नी करोगे, जब भी आप लंबे सफर पर जाओगे, उस समय आपके हाथ में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पेन होगा जब ये इंस्टॉल होकर के नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ने ओरिजिनल वाला सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल करा लिया है। एक सेटअप आप यहाँ पे और इंस्टॉल करा सकते हैं, जो कि अपने ORVM का था टॉप मॉडल में, जैसा कि ऑटो फोल्डिंग का सेटअप आपको देने में लगे। VXI वेरियंट से ही आपको ऑटो फोल्ड का सेटअप देने मिल जाता है, अगर आप चाहते तो वो भी चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो जितनी मॉडिफिकेशन थी मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे शो आउट कर दिया, फ्रंट से, रियर से, इंटीरियर से, सारी चीज शो आउट कर दिया। रियर से जानते हैं भैया को सारा काम कैसा लगा, उनसे जो प्राइसिंग है वो भी जानेंगे, देन इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा ना भैया, तो उसके बाद एक अलग ही फील आने वाला गाड़ी के अंदर ना। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, ऑलमोस्ट सारे सारे आपके पास पार्ट्स मिल गए। तो बेसिकली भैया पहले तो ये बता दीजिए, मैंने भी बता दिया, आप बता दीजिए कहाँ से आए। हम लोग पंजाब से आए हैं। ओके। और हम लोग चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। ऑलराइट। बहुत बढ़िया लगा इनसे काम करवा के, ठीक है। हम लोग सुबह करीबन 11:30 बजे पहुंचे थे यहाँ। ऑलराइट। तो जो टाइम इन्होंने बोला था कि 5:00 बजे तक फ्री कर देंगे, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 5:30 उन्होंने हमें फ्री कर दिया है, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी टू गो। ओके। और सिस्टम वाइज उन्होंने बहुत बढ़िया हमें लगा के दिया, सारे फंक्शन हमें एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। जो भी काम है हमारी तसल्ली के साथ कराया गया है। अगर हमने बोला है कि थोड़ा सा भैया इसको ऐसे कर दो, मॉडिफाइड कर दो, जैसे मैंने इसको मॉडिफाइड कराया है, इसमें मैंने थोड़ा सा लेदर रैप कराया, तो उन्होंने लेदर रैप कर दिया है, ठीक है। सो जो भी है इन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइड किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद दी सर्विसेज। ओके ओके। तो भैया बेसिकली सबसे पहला पॉइंट तो आपने जो भी इसके अंदर इंटीरियर में काम कराया, उससे आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पे? हाँ, मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट जो भी बढ़िया से बढ़िया इंटीरियर हो सकता था, ठीक है, वो करा लिया है। एक चीज बस रह गई है, होप्स होगी वो भी जल्दी आ जाए। हाँ। तो वो भी मैं जल्दी करा लूंगा। ऑलराइट। तो एक चीज और आप बता दो, आपको पता कैसे चला था इनके बारे में, क्योंकि पंजाब से? नहीं, मेरे को मिश्रा ब्लॉग से पता चला, मैंने बड़ी वीडियोस देखी आपकी। हाँ। तो उसपे जो जो काम जैसे जैसे आप लोग दिखाते हो वैसा वैसा ही आपने करके दिया है। ऑलराइट। सो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जैसा आपने बोला वो करके दिया। ऑलराइट। ये पता है आप लोगों को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो चीज भैया आप लोग जैसे कि पंजाब से आए हो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे भाई दूर दूर से आते हैं, तो ये इस पॉइंट पे खड़ा उतरना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज वाला पॉइंट होता है। गाइड भी किया कि अच्छी चीज लगवाओ। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा सिस्टम के लिए सोच रहा था थोड़ा हल्का लगवा लूं, आपने बोला भैया बार बार कैसे आओगे, तो आपने डैप्स का रिकमेंड किया मेरे को, मैंने डैप्स का लगवा लिया, ठीक है। तो अच्छी रिकमेंडेशन है आपकी, मैं बाकी लोगों को भी बोलूंगा कि एक बार जरूर आए यहाँ पे और टाइम लेके आए। कुछ लोग बिना टाइम लेके आए थे, फिर वो परेशान हुए। क्योंकि जो लोग पहले टाइम लेके, जैसे मैं टाइम लेके आया था, तो इन्होंने पहले मेरे को सर्विस दी। ऑलराइट। तो इसके अंदर जो अपने एम्बिएंट लाइट का जो पार्ट आपने इंस्टॉल करवाया है, कैसा लग रहा है आपको? ये बिल्कुल K3 मैंने लगवाई है। हाँ। जो भैया ने बोला कि बिल्कुल टॉप मोस्ट आती है, जो ओरिजिनल में भी K3 जैसी ही लग के आती है। हाँ, और कहीं ना कहीं लग्जरी गाड़ियों में भी आता है। लग्जरी गाड़ियों में आती है, और कहीं से इसकी लाइट का फर्क नहीं है, इक्वली है, और कहीं से पाइप नहीं है। ये बेसिकली पाइप नहीं है, ये पूरी स्ट्रिप आती है। स्ट्रिप आती है, पाइप वाली भी दिखाई थी, वो सस्ती थी। हाँ। पर भैया ने मेरे को गाइड किया, आप दूर से आए हो, अच्छी चीज लगवाओ, कम लगवा लो, अच्छा लगवा लो, ठीक है। सो मैंने अच्छा ही लगाया। ऑलराइट। तो ये अच्छा लग रहा है आपको लाइट का? अच्छा लगा है। मतलब जो सजेशन किया था उस पे वो सारी क्वालिटी निकल करके आई है, पूरी क्वालिटी निकल के आई है। सीट कवर कैसे लग रहे हैं आपको? सीट कवर मैं बेसिकली इनको बोल रहा था कि मेरे को ब्लैक पे ब्लू स्टिचिंग चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी सिल्वर कलर की है, ठीक है। बट इन्होंने एक नया ही लुक दे दिया बोल के कि ब्लू में इतना उठेगी नहीं गाड़ी, आप ब्लैक और बेज के साथ जाइए। रैप मेरा स्टेयरिंग ऐसे करा है ब्लैक और बेज चांद स्टाइल में, और मेरे को इन्होंने लेदर रैप गेट पे भी दिया है, और इन्होंने मेरे को सारा कुछ मतलब अच्छा लगा मेरे को कि लेदर रैप और ऑल
मेरे को ट्विन शेड में इन्होंने धागे की सिलाई दी है तो हाँ। अच्छा लगा मेरे को कि ये वाला कलर अच्छा लगता है, आंखों को भी अच्छा लग रहा है, मतलब चुभ नहीं रही चीज अच्छी लग रही है। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और बेसिकली पर्पस क्या था, यहाँ जब ब्राउन आ जाएगा हाँ। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन एनर्जी में रहेगा, पूरी एनर्जी में रहेगा। ओके ओके ओके, तो बस एक पार्ट भैया का रह गया, बाकी सारी चीजें भैया की गाड़ी में कम्प्लीट हो गई। ओवरऑल सेटिस्फाइड हो? ओवरऑल 100% सेटिस्फाइड हूँ बॉस। ठीक है, 10 में से 10, 10 में से 11 सब चलता है। अच्छा, अगर प्राइसिंग की बात करें तो कितनी कॉस्टिंग है इस गाड़ी के अंदर आपकी? कॉस्टिंग अगर सच में बताऊं मैं, जो मैंने लगाया है सिर्फ मैंने एक स्टेयरिंग पे कंट्रोल नहीं लगवाए हैं। ठीक है, उसका कारण कहीं ना कहीं मेरे को ही था कि मेरे को जब यहाँ से इतनी पास से कॉल उठ जानी है तो वाई टू इन्वेस्ट इन स्टेयरिंग कंट्रोल्स। ओके, और अदरवाइज आल्सो कंपनी ये ना बोल दे कि एयरबैग नहीं खुला तो हाँ। अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है, खुलता ही होगा, पर भगवान ना ही करे किसी को खुले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को सिर्फ स्टेयरिंग कंट्रोल मैंने नहीं लगवाए, बाकी अपनी मर्जी का मैंने सारा बहुत अच्छा काम करवाया है। और एक दो चीज जो रह गई है उसको छोड़ के अराउंड मेरा करीबन तो 70,000 का खर्चा आया है अराउंड, जिसमें आपका जितना भी इंटीरियर का जो पूरा सेटअप है वो सारा एंड्रॉइड हो गया, सिस्टम हो गया, एक्सटीरियर इंटीरियर सारा अपना रैप्स और म्यूजिक सिस्टम, हेडलाइट एलईडी वगैरह, ब्लू पंखे मैंने इसमें कंपोनेंट और स्पीकर लगवाए हैं और ट्यूटर्स और डैप्स का मैंने सिस्टम लगाया है विद 2 ईयर वारंटी इन्होंने मेरे को दी है, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की विद डैप्स का ही कैमरा जो विद नाइट विजन है। ठीक है, तो सारा इन्होंने मेरे को अच्छा करके दिया। तो लग रहा है कि 70,000 वर्थ है? बिल्कुल लग रहा है 70,000 वर्थ है। ये आपने काफी अच्छी चीज है, सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए एट द एंड, जब आप जा रहे हो तो आपके मन में कुछ ये नहीं रहना चाहिए कि भाई मैंने पैसे खर्च किए। आई एम हाईली सेटिस्फाइड। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच भैया, आप इतनी दूर से आए, आपने वीडियोस देखी हमारी मिश्रा ब्लॉग्स की वीडियोस देखी, उसके बाद आप यहाँ पे आए और फाइनली जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, भैया से भी मिल लिया आपने, भैया ने आपको सारी चीजें बता दी, कॉस्टिंग वगैरह सारी चीजें रिवील कर दी। यहाँ पे एक चीज और देख लो, लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो भी चेंज हो रहा है, तो काफी अच्छा सा पार्ट है। ठीक है, बाकी आप लोग बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस गाड़ी के अंदर जो कॉस्टिंग आई थी मैंने आपको वो भी चीज रिवील कर दी। फाइनली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको सारा काम कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप इसलिए विजिट कर सकते हो ऑटो इन, अपना सारा काम करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिश्रा व्लॉग्स, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इस तरह जय हिंद, वंदे मातरम।